फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोडक्शन डिज़ाइनर के बारे में। आप लोग बहुत कोई मुझे कमेंट करते थे कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर का क्या काम होता है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर का क्या काम होता है और कैसे प्रोडक्शन डिज़ाइनर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ मिल करके एक फिल्म को बेटर बनाने में हेल्प करता है। याद रखिए कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और आप सभी लोग जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब आप एक शुरुआत में फिल्म बनाते हैं, आप एक फीचर फिल्म बनाते हैं अपने करियर की शुरुआत में, तो होता क्या है कि आप सभी चीज़ों को खुद करते हैं। आप अलग से प्रोडक्शन डिज़ाइनर नहीं रख सकते हैं, आप अलग से और जो लोग होते हैं जैसे कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो आप नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए फिल्म के डायरेक्टर हैं तो आपको सारी चीज़ें खुद करनी रहती है। तो अगर आप सभी काम को जानेंगे तो आप आसानी से ये सभी काम को कर पाएंगे। तो चलिए अब आप ये जान लीजिए कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम क्या होता है। तो अगर आप एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो देखिए, या फिर आप डायरेक्टर फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर का क्या काम होता है। देखिए, प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम होता है डिज़ाइनिंग का, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। वो किस किस चीज़ की डिज़ाइनिंग करता है? वो करता है सेट्स की डिज़ाइनिंग, जो शूटिंग के सेट्स होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग करता है, लोकेशन की डिज़ाइनिंग करता है, फिर वो डिज़ाइनिंग करता है प्रॉप्स की, यानी जो मटेरियल्स, जो सामान यूज़ होते हैं किसी सीन में उसकी डिज़ाइनिंग करता है, फिर वो डिज़ाइनिंग करता है कॉस्ट्यूम्स की, जो कॉस्ट्यूम्स दिखाए जाते हैं फिल्म में उसकी डिज़ाइनिंग करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो बात है कि वो राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैसे ये तीनों के साथ मिल करके जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर है वो फिल्म को बेटर बनाता है। देखिए, होता क्या है कि जब राइटर जो है वो स्क्रिप्ट लिख करके कंप्लीट कर लेता है तो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर ये लोग बैठते हैं और फिल्म के आर्ट वर्क पर डिसाइड करते हैं, यानी कि फिल्म के सेट्स कैसे होंगे, अगर कोई सेट बनाना है तो वो कैसा होगा, लोकेशंस किस तरीके के होने चाहिए, फिर डिज़ाइनिंग, जो कॉस्ट्यूम्स का डिज़ाइन है, जो ज्वेलरी वगैरह यूज़ किए जाएंगे उसका डिज़ाइनिंग है, जो हेयर स्टाइल्स यूज़ किए जाएंगे उसका डिज़ाइनिंग है वो कैसा रहेगा, फिर इसके अलावा कुछ प्रॉप्स अगर यूज़ किए जा रहे हैं, मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ फिल्म में है कि मशीन है, कोई अलग तरह का मशीन दिखाया जा रहा है तो उस मशीन का डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो है ये राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ मिलकर के डिस्कस करता है। और इसमें तीनों जो राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, तीनों अपने अपने जो इमेजिनेशंस होते हैं उसको बताते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर को बताते हैं कि ऐसा हमने सोचा है, और प्रोडक्शन डिज़ाइनर है वो फिर अपनी एडवाइस देता है। तो जब वो अपनी एडवाइस देता है तो उसमें क्या होता है कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर में से जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उनको अगर बात जच जाती है कि नहीं, ये प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो है ये इस तरह का बनाना चाहता है कुछ, तो ये बेटर रहेगा, तो फिर ये जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, तीनों के कंबाइंड एफर्ट से क्या होता है कि किसी भी चीज़ को रेडी किया जाता है। जैसे चाहे वो सेट की बात रहे, लोकेशन की बात रहे, या फिर कॉस्ट्यूम की बात रहे, या प्रॉप्स की बात रहे, तो ये जब काम हो जाता है, जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से विजुअलाइज कर लिया जाता है, सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है कि इस तरीके से करना है। यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल पिक्चर है, तो हिस्टोरिकल फिल्म में क्या होता है कि बहुत सारे रिसर्च वर्क करने पड़ते हैं कि जो मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे वो कैसा होगा, कुछ अगर बिल्डिंग दिखाया जा रहा है तो वो कैसा होगा, उस समय में कैसे कॉस्ट्यूम्स होते थे तो उस तरह के कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइनिंग करवाने होंगे, तो ये सभी चीज़ों का जो रिसर्च है वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर ही करता है। तो उसके बाद ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब फिर प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो है वो हायर करता है किसे, आर्ट डिपार्टमेंट को। आर्ट डिपार्टमेंट जो है वो दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। आर्ट डिपार्टमेंट में होता है एक जो होता है डिज़ाइनिंग जो करता है, और एक जो होता है जो कंस्ट्रक्शन करता है, यानी एक जो वो सिंपल डिज़ाइनिंग करना, मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ड्रेस की ही डिज़ाइनिंग है। आर्ट डायरेक्टर का पहले पार्ट में काम क्या होगा कि वो जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है उसे वो बताया कि कॉस्ट्यूम की डिज़ाइनिंग कैसे होनी चाहिए, और दूसरे पार्ट में क्या होगा कि जो डिज़ाइनिंग हुई है उसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी जो ड्रेसेस डिसाइड हुए उसे बनवाया जाएगा। फिर सेट्स की ही अगर बात करें तो सेट्स में पहले डिज़ाइनिंग होगी, जो आर्ट डायरेक्टर है वो डिज़ाइनिंग पहले तैयार करवाएंगे अपने ग्रुप से, पहले ग्रुप से, और दूसरे ग्रुप जो है वो फिर उस डिज़ाइनिंग को क्रिएट करेंगे, उसे बनवाएंगे
किस तरीके से बिल्ड करेंगे। तो ये होता है आर्ट डायरेक्टर का काम। लेकिन ये आर्ट डायरेक्टर जो है ये काम करते हैं किनके अंडर में, ये काम करते हैं जो प्रोडक्शन डिजाइनर है उनके अंडर में। और प्रोडक्शन डिजाइनर जो है वो हमेशा एडवाइस लेते हैं डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, और बदले में ये भी अपने एडवाइस को देते हैं कि हाँ इस तरीके से डिजाइनिंग करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको प्रोडक्शन डिजाइनर का काम समझ में आ गया होगा। तो अगर आप एक प्रोडक्शन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। और इसके लिए एक चीज़ है कि आपको आर्किटेक्चर का वर्क बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप इस ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।